अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं निम्को चेवड़ा, जिसके लिए हमें चाहिए पफ राइस या जिसे पोहा भी कहते हैं, हाफ के जी, एक से डेढ़ प्याली मूंगफली, आधी प्याली मिल्क पाउडर, एक खाने का चमचा हल्दी पाउडर, एक गड्डी कड़ी पत्ता, एक प्याली चीनी, एक प्याली किशमिश, एक प्याली खोपरा जिसे हमने क्रश कर लिया है, आधी प्याली कोकोनट पाउडर, दो खाने के चमचे सफ़ेद तिल खसखस, दो खाने के चमचे, और ये चार मगज चार खाने के चमचे। फ्राइंग के लिए घी, एक चाय का चमचा नमक और आधी चाय की चमची टार्टरी पाउडर। चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में हम ये घी गरम करेंगे। कढ़ाई में हम इस तरह एक स्ट्रेनर रखेंगे, हमने एक छन्नी रख ली है। घी हमारा गरम हो जाए हम उसको इस तरह चेक करेंगे। हमें इसे अच्छा तेज़ गरम करना है। हम इस छन्नी के अंदर अपना ये पफ राइस डालेंगे। घी हमारा गरम हो चुका है, चलिए अब हम इसके अंदर इस तरह ये पफ राइस डालते हैं। और हल्का सा चमचा चलाएंगे हम इसे। हम ये थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा ये फूल चुका है, फ्राई भी हो चुका है। अब हम इस तरह हल्का सा इसको छान कर ऐसे करके और किसी एक अलग बर्तन में फ्राई कर करके रख लेंगे। ये देखें इस तरह। हमने इसको एक अलग बर्तन में इस तरह रख लिया है। ये देखें इस तरह रखते जाएंगे हम। हमें ये सब इसी तरह फ्राई करना है। हमने ये तमाम पफ राइस जो है ना फ्राई कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर इसी तेल के अंदर अब हम ये अपनी पीनट्स फ्राई करेंगे। पीनट्स हमारी कच्ची हैं। इसे हम बहुत तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करेंगे, थोड़ी सी लो आंच पे फ्राई करेंगे ताकि ये अच्छी तरह अंदर से भी फ्राई हो जाए। हमें इन्हें पूरी तरह से फ्राई करना है। आप इसमें पीनट्स अपनी मर्जी के हिसाब से कमियां बढ़ती कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर काजू भी ऐड कर सकते हैं, काजू भी, लेकिन हमें कच्चे लेने होंगे और उनको इसी तरह से फ्राई करने होंगे। हमें काजू इस वक्त मिले नहीं, इसलिए हम बगैर काजू के बना रहे हैं। देखें ये हमारी पीनट्स अच्छी सी फ्राई हो रही हैं
और अब हमने जो अपना पफ राइस फ्राई करके रखा हुआ है उसके अंदर हम ये पीनट भी शामिल कर देंगे। ये देखें क्रंच क्रंच सी हो रही हैं ये तमाम पीनट्स। चलिए अब इसमें हम इस तरह से इसको निकाल के और ये भी अपने पफ राइस में शामिल कर देते हैं। अब हम इसके अंदर अपनी किशमिश हल्की सी फ्राई करेंगे। किशमिश हमें बहुत हल्की सी फ्राई करनी है, तकरीबन एक मिनट भी नहीं। इसे भी हमने उसी पफ राइस में निकाल लेना है। सबसे पहले अब हम इसके अंदर मगज़ शामिल करते हैं, तिल शामिल करते हैं और खशखाश, और साथ ही हम इसके अंदर कोकोनट भी शामिल कर देंगे। हमने इसमें पिसा हुआ खोपरा जो है वो रोक लिया है अभी। दो से तीन मिनट बाद अब हम इसके अंदर पिसा हुआ खोपरा भी शामिल कर देंगे ताकि वो भी हमारा हल्का सा रोस्ट हो जाए। इस तरह से और इसे भी हम अपने पफ राइस में शामिल कर देंगे। अब हम इसका भंगार तैयार करते हैं जिसके लिए हम तकरीबन एक खाने का चम्मच घी शामिल करेंगे हम और इसके अंदर हम अपनी कड़ी पत्ता फ्राई करेंगे। कड़ी पत्ता हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले हल्दी शामिल कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ता डालने के बाद ये ड्राई मिल्क पाउडर शामिल करेंगे, टाटरी पाउडर और नमक शामिल करेंगे। और साथ ही हम इसमें ये चीनी शामिल करेंगे। चीनी आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और इस तरह से अब इसको हल्के हाथ से सबको मिक्स कर लेंगे। लीजिए मज़ेदार नीमको चेवड़ा तैयार है। आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल सकेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी यूनिक रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।